बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो मैंने कहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊंगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, थोड़ा सा डिले हो गया, माय अपोलॉजीज, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जो है मैंने लिया, आई वांट टू शेयर इट। आई होप के इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग सोचें जिन चीज़ों के बारे में चाह रहा हूँ कि लोग सोचें। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इज्जत दी, प्यार दिया आप लोगों का, थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रामा, फिल्म एंड एक्टिंग, मेरी आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि मेरी कोई बात हो या मैं कुछ लिखूँ ट्विटर पर तो वो हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक बात पहुँचती है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी प्यार दी, मोहब्बत दी मुझे। जो फैसला है वो बताने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी अपनी ज़िंदगी की बताना चाहता हूँ, और ये फैसला खुदा के बारे में है। तो इसको ज़रा, इसलिए आई वुडंट केयर कि ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है वीडियो की, आई जस्ट वॉन्ट कि द पॉइंट शुड गो अक्रॉस। इस फैसले को बताने से पहले थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की मैं आपसे बैक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, इन अ नट शेल, बहुत छोटी करके समराइज करके। मैं अपनी नौमरी में ही जब बड़ा हुआ, मे बी 14-15, तो मेरे जहन में सवालात पैदा हुए, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पैदा हुए कि क्या मैं क्यों हूँ, ये दुनिया क्यों है, क्या इसका कोई बनाने वाला है या नहीं है, क्या मौत पे जिंदगी ख़त्म होती है या मौत के बाद जिंदगी है, ये सारे सवालात, इस कायनात का कोई बनाने वाला है या नहीं, ये सारे वो सवालात थे जो मुझे बहुत तंग करते थे व्हेन आई वाज 14-15। हमारे यहाँ जो मेरे इर्द गिर्द मजहबी तबकात थे, बिकॉज जब भी ये सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप सबसे पहले मजहबी तबके के पास जाते हैं, वहां से मुझे कुछ सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिले जो हमारा मजहबी फिक्र है। याद रखिए, खुदा के पैगाम को जब इंसान ने इंटरप्रेट किया, तशरीह की उसकी, तो उसके रिजल्ट में एक मजहबी फिक्र मौजूद में आता है जिसको हम रिलीजियस थॉट कहते हैं। तो बहरहाल मुझे वहां से सेटिस्फाइंग जवाब कुछ नहीं मिले, तो मैं अपनी नौमरी में ही एथियस्ट हो गया, जिसको मुलहिद कहते हैं या दहरिया कहते हैं। तो आई बिकेम एन एथियस्ट व्हेन आई वाज 14-15। देन इट सो हैपेंड कि मैं US गया, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइंस वॉज एक्चुअली समथिंग विच ब्रॉट मी बैक टू बींग अ थियस्ट। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कायनात को बाहर हल कोई बनाने वाला है, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फोर्सेज ऑफ नेचर। इस कंक्लूजन से फिर मैं मजहब की तरफ आया, और जब मैंने वाकई अपने आप को तमाम कल्चरल बायस से, और बाय द वे मैंने तमाम मजहबों को देखा कि विच मेक सेंस, बिकॉज आई थॉट कि अगर इस कायनात को बनाने वाला है तो उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, क्यों बनाया। तो लुक्ड इनटू रिलीजन्स एंड व्हेन आई फाइनली आखिरकार मैं इस्लाम के अंदर जब मैंने देखा, तो जब मैंने अपने आप को तमाम कल्चरल, सोशल बायसेस, इमोशनल बायसेस से बालातर होके जब इस्लाम को देखा, तो मुझे यहाँ खुदा नजर आया। मुझे वाकई, आई कांट डिनाई इट, आई फाइनली रियलाइज्ड कि दिस इज एक्चुअली डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड, द फाइनल डिवाइन मैसेज टू मैनकाइंड। इसकी डिटेल्स तो सारी जिंदगी इंशाल्लाह मैं आपको बताता ही रहूंगा, जो सुनना चाहे उनके लिए। बहरहाल जब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, और ये बहुत बड़ी कंक्लूजन है कि इस जिंदगी, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, हम तमाम लोगों की जिंदगी में एक वाकया होने वाला है, ये गौर से सुनिएगा, जिसको हम मौत कहते हैं, जिसके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, हम बिल्कुल, हमने मौत को टैबू कर दिया। लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। 10 साल बाद, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़े से अरसे के बाद, हम सब ने कुलुन नफ्सुन ज़ायकतुल मौत, हम सब ने मौत का मजा चखना है, लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम उस बारे में ना सोचते हैं ना बात करते।
तो मुझे यह एहसास हुआ कि उस मौत के बाद एक बहुत अजीम वाक्या होने वाला है जिसको हम कहते हैं रोज़े क़यामत की, यानी कि मैंने अपने परवरदिगार अपने बनाने वाले के सामने मेरी जवाबदेही होगी इस जिंदगी की जो मैं इस दुनिया में जी रहा हूं। जब मेरे पे फाइनली ये हकीकत, और एक बड़े पेनफुल प्रोसेस के बाद मेरे ऊपर ये हकीकत वाजे हुई, ये कोई 10, 12 या 13 साल की एक लंबी जर्नी थी जिसके बाद मैं इस हकीकत को फाइनली अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने दरियाफ्त किया कि ये भाई मौत के बाद एक असल रियलिटी शुरू होने वाली है, और मैं डिटेल्स बाद में इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको बताता रहूँगा। तो जब ये मुझे एहसास हुआ, जब ये हकीकत मेरे पे वाजे हुई, तो देन आई थॉट अबाउट इट कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए, वो कौन सी ऐसी ज़िंदगी है जो मैं गुजारूँ, तो वो जवाबदही जो मेरी होनी है अल्लाह ताला के सामने उसमें कुछ इत्मीनान हो, कैसी कौन सी वो ज़िंदगी है, मकसद क्या होना चाहिए ज़िंदगी का। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ पे इतने ज़रियाए मौश मौजूद हैं कि मेरा सर्वाइवल एक बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी में हो जाएगा, मतलब इतने सोर्सेज ऑफ इनकम मौजूद हैं कि मेरा सर्वाइवल इज सॉर्टेड, देन आई थॉट ओके, बिकॉज इंसान का प्राइमरी मकसद ज़िंदगी में होता है सर्वाइवल। फिर मैं सोचा चले ये सॉर्टेड है तो क्या ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए, अगर मैं एक्टिंग ही करता रहूँगा दुनिया का बेहतरीन, समझ लें जी मुझे अकेडमी अवार्ड मिल जाएगा फिर भी मर जाऊंगा, खत्म, लोग भूल जाते हैं, लेट्स फेस इट, लोग भूल जाते हैं, डजंट मैटर आप क्या करके गए, सिकंदर आजम टाइप लोग, चंगेज़ खान जैसे लोग तो आधी आधी दुनिया फतह कर ली उन्होंने और क्या हुआ, मर गए। माइकल जैक्सन से ज़्यादा फेमस कोई आदमी नहीं हो सकता, क्या हुआ, मर गया, ही इज़ डेड। कभी कभी बस हम उसके को गाना सुन लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तमाम जिंदगी के मकसद जितने मैं सोचता गया, चाहे वो सियासत थी, शोबिज था, कुछ भी था, हमेशा मुझे ये लगा कि मेरा तमाम मकसद जो मैं सोच रहा हूँ वो मौत पे ख़त्म हो जाते हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ वो तमाम मकसद ख़त्म हो जाते हैं। आई लुक एट माई ट्रॉफीज़ जो मुझे हम अवार्ड या लक स्टाइल अवार्ड ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं, मेरा एक शेल्फ है कमरे में जिसको मैं देखता हूँ इन अवार्ड्स को, कि मेरे लिए अवार्ड्स बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक आपके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाए, जब रिकग्निशन दी जाए तो आपके लिए बड़ा मैटर करता हो। पता नहीं थॉट कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए ये अवार्ड्स सिर्फ एक लकड़ी का या मेटल का टुकड़ा होगा, उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सो हर मकसद मेरी मौत के साथ मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आया। फिर मैंने सोचा कि दो चीज़ें हैं जो अगर मैं ज़िंदगी में करूँ तो मौत के वक्त इत्मीनान होगा, और अल्लाह करे कि जब मेरी जवाबदेही हो मेरे परवरदिगार के सामने तो अल्लाह ताला भी शायद खुश हो मेरे से और कहें कि यू नो वेल डन, अच्छा किया तुमने। और वो मकसद ये था कि नंबर वन, इंसानियत की खिदमत, चैरिटी, वो तो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है, वो जितनी की जाए कम है। उसके अलावा मैं अब अपनी ज़िंदगी, मैंने फ़ैसला ये किया है कि गुजारना चाहता हूँ खुदा के बारे में बात करते हुए, इस खबर के बारे में बात करते हुए कि इस जिंदगी के बाद एक बहुत अजीम वाकया होने वाला है, इस बारे में बात करते हुए मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। कॉल इट रिलीजियस एक्टिविस्ट, कॉल इट दावा, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, बट आई वांट टू नॉट टॉक अबाउट गॉड, आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एक्टिंग से किनारा कशी बड़े लंबे अरसे के लिए इख्तियार करने की वजह यह नहीं है कि एक्टिंग इस्लाम में हराम है, यह भी एक बहरहाल बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, बड़ा मसले वाला एक ये पॉइंट है कि एक्टिंग या ड्रामा, फिल्म, फनून लतीफा असलन खुदा ने हराम नहीं किए, हराम असल में बदकारी है। तो मैं इसलिए नहीं किनारा कशी इख्तियार कर रहा कि इस्लाम खुदा ना खास्ता आपको रोकता है एक्टिंग करने से, नहीं रोकता, और मैं अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा लंबा अरसा गुजारना चाहूँगा इस बात को जस्टिफाई करते हुए कि इस्लाम में तस्वीर बनाना हराम नहीं है, एक्टिंग हराम नहीं है, फिल्म ड्रामा ये चीज़ें हराम नहीं है, असल हराम बदकारी है, ये चीज़ें जरिया बन सकती हैं, इसलिए उलेमा ने इस पर बड़ा सख्त मौकफ इख्तियार किया। तो इसलिए मैं एक्टिंग नहीं छोड़ा कि खुदा ना खास्ता इस्लाम मना करता है, मैं इसलिए छोड़ा हूँ कि नंबर वन इस तरह का काम ज़्यादा बनता नहीं जो मैं इखलाकी तौर पर जिसको जो मुझे लगे कि ठीक है इस्लाम को इस पर एतराज़ नहीं, इस तरह काम ज़्यादा बनता नहीं है।
और दूसरा मैं अब नहीं चाहता कि लोग मुझे जब बुलाएं कोई इंटरव्यू करें या कुछ करें तो लोग एक्टिंग के बारे में सवाल पूछा, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है, आपकी फिल्म कब आ रही, ड्रामा कब आ रहा है। मैं अब अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के बारे में बात करते हुए गुजारना चाहता हूँ ये, क्योंकि मुझे ये एक वाहिद ऐसा मकसद नज़र आता है कि जो शायद मौत के वक्त इत्मीनान दे और खुदा के सामने जवाबदेही को आसान करे। सियासत के बारे में लोग बड़ा पॉपुलर नोशन था कि शायद मैं सियासत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। सियासत फ़र्ज है हमारे पे, क्योंकि सियासत क्या होती है, सही को सही गलत को गलत कहना, लोगों की खिदमत करना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा सकता, बिकॉज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंतखाबी सियासत आपसे डिमांड करती है कि आप झूठ बोलें। हमारा कल्चर है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आप झूठ बोलें, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं, जो बदकिस्मती से सारे करते हैं। और इंतखाबी सियासत का मसला ये होता है कि आपको पॉपुलर लाइन टो करनी पड़ती है, आप वो बातें नहीं कर सकते जो आप दिली तौर पर सच समझते हैं, क्योंकि उनमें से कई बातें ऐसी होती हैं जो शायद लोगों पर ग्रां गुजरें, तो इसलिए नॉट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट गॉड ऑल माई लाइफ। जो जवाब मुझे मिले एक बड़े लंबे अरसे 10 साल 12 13 साल की जदोजहद के बाद जो मैं जवाब मिले वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, और टाइम स्पेंड अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूँ अपने लोगों को एहसास दिलाने में कि मज़हब को हमने एक खुदा के पैगाम को एक कल्चरल चीज़ बना दिया है, कि ठीक है ये एक कल्चर है, ये ज़िंदगी में हमने बॉक्सेस बना दिए हैं कि ये सकाफत है, ये सोशल लाइफ है, ये मेरा काम है, और ये एक बॉक्स मज़हब का भी है बीच में। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मुझे ये रियलाइजेशन होना कि एक बहुत बड़ा दिन जवाबदेही का आने वाला मेरे परवरदिगार के सामने, उसने हिला दिया मुझे, उसने मेरी 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 ज़िंदगी पे प्रस्पेक्टिव को चेंज कर दिया। मेरे लिए ये पैगाम मुमकिन नहीं है, मेरे लिए इस पैगाम को एक छोटा सा बॉक्स बना के अपने ज़िंदगी में रखना, मेरे लिए नाउ माई इंटायर लाइफ इज़ अबाउट दिस इवेंट, नाउ दैट आई बिलीव इन इट। सो मैंने बड़े थोड़े अरसे पहले फैसला किया, आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल अबाउट गॉड। व्हाट डू आई वॉन्ट टॉक अबाउट? आई वॉन्ट टॉक प्राइमरली अबाउट टू थिंग्स। एक, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एथियस्ट रह चुका हूँ, तो जो जवाब मुझे मिले खुदा की एग्जिस्टेंस के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, आई डोंट वॉन्ट टू डिबेट एंड कन्विंस पीपल, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर। सेकेंडली, बदकिस्मती से हमारा जो मजहबी फिक्र है, जो इंसानी काम है, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं जो जब, क्योंकि मुझे वो तंग करते थे, जब उनके जवाब मिले तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। जैसे मुर्तद की सज़ा मौत, कि अगर आप इस्लाम छोड़ के लेट्स सपोज ईसाई हो जाएं या यहूदी हो जाएं या आप एथियस्ट हो जाएं तो अपोस्टेट की सज़ा मौत, इट डिडंट अपील टू मी। इस तरह काफिर और गैर मुस्लिम का फर्क, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में मजहबी फिक्र में बहुत प्रेवलेंट हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं, कई लोगों को खुद भी नहीं पता वो क्यों मानते हैं ये बातें, और उनके खिलाफ बात करना या उनको एड्रेस करना उन टॉपिक्स को हमारे माशरे में एक बड़ा डेंजरस काम समझा जाता है कि ये बात ना करें आपको को मार देगा, ये बात ना करें आपको ये कर देगा वो कर देगा। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और उसके नतीजे में अगर मेरी को जान को खतरा भी होता है तो खैर वैसे भी मरना ही है, तो अभी मर जाएं या 15-20 साल बाद मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाएं, किसी गोली से मर जाएं, तो अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो हमारे यहाँ सेंसिटिव इशूज़ कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज हमारे मज़हब में बहुत, हमारे उलमा ने बहुत अच्छा, हमारे उलमा को बार आलम हमारा, जिसको आप मौलवी कहते हैं, आलम उलमा कहते हैं, अजीम लोग हैं वो, हमारी 400 साल की तारीख में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हमारे मजहबी फिक्र में आ चुके हैं, मुर्तद की सज़ा मौत, ख़वातीन पे एक तो बहुत फोकस है हमारा, उनको पर्दा कैसे ढांपा कैसे जाए और चार दीवारी में बंद कैसे किया जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल चीज़ें हमारे मजहब में एंटर हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और उनको ख़तरनाक समझा जाता है, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट। अपने कौम के मुल्क के लोगों को बात करना। खैर, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदा है, मौत के बाद ज़िंदगी है, तो पहले मैंने अपनी इसलाह की। मैं बहुत सी इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, और कुछ ऐसे गुनाहों में भी मुब्तला होता है जो आपको गुनाह लग नहीं रहे होते,
तो यकीन जानिए, मैं पिछले काफ़ी अरसे से सबसे पहले अपनी इसलाह करना चाह रहा था, और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है अपनी इसलाह करना, अगैन बिकॉज आप ऐसे गुनाहों में होते हैं जो आप गुनाह उस वक्त लग नहीं रहे होते हैं। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ जिन लोगों के साथ भी मैंने नाइंसाफ़ी की या तकलीफ़ पहुँचाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो पहले मैंने अपनी इसलाह की इखलाकी तौर पर हर लिहाज से, कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे करूँ पहले कि मुझे ये मुझे कम अज़ कम पता हो कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जिसमें मैं खुदा को खुश ही कर रहा हूँ, ना खुश नहीं कर रहा अपने बनाने वाले को। उस इसलाह के बाद अब मैं ये अपने ज़िंदगी का मकसद बना रहा हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी खुदा के बारे में बात करनी है, दीन के बारे में बात करनी है, अपने लोगों से बात करनी है, बाहर के लोगों से बात करनी है। अब ये मेरी दीन का, खुदा के पैगाम का एक अदना सा तालिब इल्म बन के मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये वो वाहिद मकसद है जो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट। कोशिश ये है कि अब आपको आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े ज़राए आजकल दे दिए हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, आई विल ट्राई टू, और टीवी है, अगर कोई बुलाएगा कभी बात करने के लिए तो मैं टीवी पे भी ये बात करूंगा खुदा की। सो आई विल यूज़ ऑल दीज मीन्स, और जो भी अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी, इज्जत दी है आप लोगों में, उन सारी चीज़ों को मैं एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो है दीन, इस्लाम, खुदा, जो रियलाइजेशन और ट्रूथ्स पे मैं पहुंचा हूं, मैं अब शेयर करना चाहता हूं। हैविंग सेड दैट, ये बहरहाल मेरा फैसला था। मैं मीडिया की हद तक एक्टिंग छोड़ रहा हूं बड़े अरसे, क्योंकि एक तो आपको एक्टिंग में कुछ नॉन सीरियस कमर्शियल करने पड़ते हैं, ड्रामे करने पड़ते हैं, फिल्में करनी पड़ती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी सीरियस बातें एक जगह कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं एक्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं चाहता है कोई ये सोचे कि मैं कोई शोहरत के लिए कर रहा हूँ या टू बी फेमस। अल्लाह का बहुत शुक्र है, फ्रॉम मैं शाहिद अफरीदी वार से ले कर मनमायल, प्यारे अफसल, जवानी फिरियानी, देन परवाज़ है जुनून, अब अलिफ चल रहा है। बाय द वे अलिफ भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि उसमें खुदा का मैसेज है, वरना मैं मेरे लिए मौला जाट शायद माई लास्ट फिल्म होती फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने इज्जत दी, उनको सक्सेसफुल किया, जिस पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट मैं इसलिए किनारा कशी बड़े लंबे अरसे तक इख्तियार कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे खुदा न खास्ता मैं कुछ मशहूर होने के लिए कर रहा हूँ या व्हाटएवर। और दूसरा, आई एम गोना टॉक अबाउट वेरी सीरियस थिंग्स, एंड आई थिंक दैट डूइंग चमक चलो टाइप मूवीज या ड्रामाज काइंड ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ द होल थिंग। बट आई विल मेक थिंग्स, फिल्म्स, ड्रामाज, वट एवर, आई विल मेक दैम, जो इंशाल्लाह ताला मैं जो चीज़ें बनाऊँगा, फिल्म्स हों या कुछ भी हो, उनमें आप देखेंगे कि कोई गैर अखलाकी चीज़ नहीं होगी, उसमें किसी किस्म का बदकारी का एलिमेंट शामिल नहीं होगा। और मैं ऐसी चीज़ें ही बनाऊँगा जो मेरे मुल्क के लिए होंगी, मेरे जो इस्लाम के लिए होंगी। ऐसे ड्रामाज और फिल्म कोशिश करूँगा मैं बनाऊँ। तो आई विल ट्राई टू यूज़ दिस मीडियम ऑफ drama and film to give the kind of messages that I think need to be there in the people. Secondly, ab main YouTube channel Hamza Ali Basri ka jisse upload kar raha hu, isse I will keep making videos, I'll keep addressing things which I think need to be addressed. Unse ikhtilaf kijiye, ittefaq kijiye, lekin khuda ra meri क्या कहते हैं इंटेंशंस पे ना शक कीजिएगा, क्योंकि जो मैं इस्लाम के बारे में कुछ बातें करूँगा वो एक सर्टन तबके को अच्छी नहीं लगेंगी, और वो सर्टन तबका एकदम आपको यहूद नसारा का एजेंट भी बना देता है, आपको कादियानी भी बना देता है, आपको कहता है कि जी ये तो पता नहीं किस एजेंडे पे हैं। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा सिर्फ ज़िंदगी में मकसद ये है कि जो दिल से सच समझूंगा वो कहूँगा, अपने लोगों को इस बारे में तवज्जो दिलाने में ज़िंदगी गुजारूंगा दीन का तालिब इल्म बन के, कि खुदारा इस रियलाइजेशन को सीरियसली लीजिए कि मरने के बाद आपकी आपके परवरदिगार के सामने एक जवाबदेही होंगी। देखें, या तो आप इस पे बिलीव नहीं करते या तो आप मुल्हिद हैं, लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं कि आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि करीब मैं मरने वाला हूं और उसके बाद मैंने जवाब दे उन्हें अपने परवरदिगार के सामने, तो बदकिस्मती से अपने इर्द गिर्द जिस तरह मैं लोगों को जिंदगियां गुजारते हुए देख रहा हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ थोड़े से पहले तक, वो जिंदगियां ऐसी बहरहाल मुझे नहीं लगती जहाँ पे
लगे कि इस आदमी को एहसास है कि मैंने मरने के बाद जवाब दे होना, क्योंकि ज़िंदगी बदकिस्मती से बहुत हैवी हो चुकी है। काम है, दोस्तियां हैं, सोशल सर्कल है, सोशल मीडिया है, देर इज सो मच गोइंग ऑन इन लाइफ कि हम ये चीज़ें सोच नहीं पाते कि हम क्यों हैं और क्या हैं, हत्ता कि बिल्कुल मौत हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है एंड देन इट्स टू लेट। तो मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, इसको जहन में रख के अपनी ज़िंदगी का दोबारा जायज़ा लीजिए। मैं भी आई विल कंटिन्यू कि मैं अपनी इसलाह भी करूँ, और अब हर फोरम पे आई विल कीप टॉकिंग अबाउट गॉड एंड थिंग्स दैट रियली मैटर। तो अगर आप सिर्फ इस फर्ज फॉलो करते थे एक्टिंग की वजह से, तो बड़े लंबे अरसे के लिए खुदा हाफिज़। और अब अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला को वापस अपनी ज़िंदगी में सेंटर स्टेज में लाएं, तो देन हमारा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, एक आखिरी रियलाइजेशन। और ये मैं एंड पे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस भी हकीकत तक पहुंचाऊं कि हम पाकिस्तानी, हमने एक 1947 में जो मुल्क बनाया पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं। और मुसलमान क्या होता है कि आप खुदा के साथ एक वादा करते हैं कि हम आपकी रजा पे जिस तरह आप राजी हैं वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, ये एक अहद होता है। और कुरान में एक अल्लाह मोमिनीन के साथ है, और मोमिन कौन होता है जो इस अहद की पासदारी करता है। मुझे इस बात का यकीन है कि जब तक हम खुदा के साथ अपने अहद की पासदारी नहीं करेंगे, हम खुदा को, अल्लाह ताला को, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के सेंटर स्टेज में नहीं लेके आएंगे, हम अपनी इसलाह नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमने खुदा से एक अहद बांधा, तो अब खुदा कहता है तुम मेरे साथ अपना वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ अपना वादा पूरा करूँगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग खुदा के साथ किया अपना वादा पूरा कर रहे हैं, और इसलिए अल्लाह ताला की नुसरत नहीं आएगी हमारे पे, ना ही खुशहाली आएगी। ये एक हकीकत है, ये एटलीस्ट आई आल स्पेंड माई लाइफ इन टेलिंग एवरीबडी कि ये क्यों एक हकीकत है। इसीलिए हम इतने मसाइल का शिकार हैं बिकॉज हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोप नहीं है, हम चाइना नहीं है। उन लोगों ने खुदा के साथ कोई अहद नहीं किया, वो खुले हैं, हमने किया है। आए इस अहद के बारे में बात करें, खुदा के बारे में बात करें, दीन के बारे में बात करें। और मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह एक दीन का अदना सा तालिब इल्म बन के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। जो मुझे जवाब मिले हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, उलमा से सीखूँगा, लोगों से सीखूँगा, और ज़िंदगी का दारोमदार खुदा को, इस्लाम को, मौत को, और अपनी आखिरी आखिरत के अंदर जो जवाबदेही होनी है खुदा के सामने, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। सो इंशाल्लाह आई कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब एंड लेट्स सी। अभी तक कुछ नहीं सोचा, अभी तक सिर्फ इतना ही सोचा है, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।